हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में विदेश नीति के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है? भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षक। दूसरा, पहले उपयोग नहीं कि मुद्रा परमाणविक अस्त्र का उपयोग तभी किया जाएगा जब भारत भूभाग पर अथवा भारतीय सुरक्षा बलों पर कहीं भी पारंपरिक आक्रमण हुआ हो। तीसरा, पहले हमले का पारंपरिक प्रत्युत्तर अत्यंत सघन होगा और उसे इस प्रकार संचालित किया जाएगा कि शत्रु पक्ष को अपूर्ण और अस्वीकृत स्तर की क्षति हो। चौथा, पारंपरिक प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही अधिकृत होगा, जिसमें नियंत्रण में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होगी। पांचवा, गैर पारंपरिक देशों के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं, तदापि भारत के खिलाफ बड़े हमले अथवा भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कहीं भी हमले में यदि जैविक अथवा रासायनिक अस्त्रों का उपयोग किया जाता है तो भारत के पास परमाणु अस्त्रों से प्रत्युत देने का विकल्प उपलब्ध होगा। परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ टीटी नेगोशिएशन यानी फिजल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन में सहभागिता तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी। परमाणु मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जारी रहेगी और इसके लिए विश्व स्तरीय सत्यापन योग्य तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यही वह निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं यानी इनपुट प्रदान करती है तथा राजनीतिक परिषद द्वारा किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन करती है। सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति CCS में भारत के परमाणु सिद्धांत का कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की है। इस समिति ने वर्तमान आदेशात्मक एवं नियंत्रण कार्य संरचनाओं को तत्परता का स्तर प्रत्याक्रमण के लिए रणनीति निर्माण तथा सावधानी और लॉन्च के विभिन्न चरणों के लिए संचालन प्रक्रिया आदि की समीक्षा की। समिति ने कुल तैयारी की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। समिति ने रणनीति बलों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए सर्वोच्च कमांडर इन चीफ रणनीति बल कमान की नियुक्ति की स्वीकृति की। इस समिति ने जवाबी परमाणु आक्रमण के लिए कमान की वैकल्पिक कड़ियों की व्यवस्था भी की, समीक्षा की और अपनी स्वीकृति दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।